बच गया बिगुल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे और आप देख रहे हैं लाइव ट्रेन न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार में इस बार 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव की शुरुआत 28 अक्टूबर की वोटिंग से होगी और 7 नवम्बर को अंतिम चरण की वोटिंग होगी। 10 नवम्बर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग, 3 नवम्बर को दूसरे चरण की वोटिंग और 7 नवम्बर को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। इसके बाद 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार चुनाव 3 चरणों में होगा। पहले चरण में 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी और तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि सुरक्षा बंदोबस्त और त्यौहार के मद्देनज़र बिहार विधानसभा चुनाव को कम चरणों में कराया जा रहा है।